काम चल रहा था तब तक फोन आया 5,000 के लिए। अब जो लड़का फोन लेके गया था वो उसे फोन दे दिया था। रात दे हनेरे दियां ए तस्वीरां ने लुधियाणा दे जलंधर बाईपास इलाके च पैंदे खेतर हुसैनपुर दियां, जिथे इकट्ठे होए ए लोग ते पुलिस वाले देख के तुसी हुण तक समझ गए होवोगे कि इत्थे कोई वड्डा भाणा वापर गया। जी हाँ, तुसी ठीक समझे हो, इत्थे भाणा वड्डा ही वापरिया। जिस तों बाद पुलिस वाले इत्थे 16 साल एक बच्चे प्रीत वर्मा की लाश लैण पहुंचे ने। आखिर की है पूरा मामला ते पुलिस वाले इस मुंडे की लाश तक किवें पहुंचे ने, ये दसदियां अगे पहला आ सुनियो जरा इस जार जार रोंदे पिता की जबानी कि उन्होंने किवें पता लगा कि उन्होंने बच्चे नाल वड्डा पाना वापर गया। उसके बाद आया नहीं रात पर। अच्छा जी। तो रात में कंप्लेन कराया, भाई काम चल रहा था तब तक फोन आया 5,000 के लिए। अच्छा, उस तो बाद तब जाके उस कार को चला रहे हैं, कर रहे हैं। अब जो लड़का फोन लेके गया था वो उसी फोन से किया था। पुलिस ने फिर मामला दर्ज कर लिया जी सारे मामले। ते कोई बंदा फड़िया भी गया जदों तुसी उत्थे पैसे देण गया सीगे? नहीं, तुसी उत्थे पैसे दी फरौती रकम देण गए सीगे? कित्थे बुलाया सीगा तुहानू फोन करके? घर तक। उस तों बाद की होया फिर? कुछ नहीं, बस पता चल गया कि यहां पे ये बच्चा थोड़ा कदों गायब होया सी? कल होया सी गया? 4 बजे। दस दईए कि लंघे दिनी मृतक प्रीत वर्मा दे पिता दशरथ वर्मा ने थाना सलेम टावरी विखे अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई सी, ते पुलिस ने परचा दर्ज करके बच्चे की भाल भी शुरू कर दी सी। पर इस दौरान दशरथ वर्मा के फोन से उसके पुत्र प्रीत वर्मा के मोबाइल तो फोन आया, ते फोन करन वाले ने दशरथ वर्मा नु दस्या कि उसका पुत्र उसके कब्जे च है, ते जेकर उसकी जान बचाउनी है तो वह उसके बदले 50,000 रुपये फरौती की रकम लैके लुधियाणा के किताबों वाले बाजार पहुँच जाए। फिर अगे की होया ते विजय नाम का वह अगवाकार किवें पुलिस के कब्जे च रंगे हथी आ गया, आ सुनियो जरा थाना सलेम टावरी के SHO गोपाल कृष्ण की जबानी। ये हूँ असं उतों ही आए हैं मौके तो, यह बच्चा हैगा दी उम्र 16 साल हैगी है, प्रीत वर्मा इहदा नाम है। ये बारे सानू अज कंप्लेंट आई सी मॉर्निंग कि बच्चा घरों मिसिंग है, फादर ने रिपोर्ट लिखाई सी, असं उदों इहदा केस रजिस्टर करता सी अंडर सैक्शन 346 IPC। उस तो बाद फिर बाद पता लग गया तो फादर ने दस्या आके असं इन्वेस्टिगेट कर रहे कि बच्चे का बच्चा मोबाइल नाल लैके गया, बच्चे का मोबाइल बंद आ रहा है कि बच्चे का उही मोबाइल उन्हें यूज़ करके किसी ने रैनसम कॉल की सी। फिर असी छत्थे पॉइंट छत्थे दसा गया कि फरौती दी इन्होंने बुलाया गया सी, उत्थे असी पूरा ट्रैप लगा के वो बंदा फिर असी फड़ लिया, फिर उत्थों अगे इन्वेस्टिगेशन चली गई। हुसैनपुर वाली साइड नहीं नहीं इट्टा नाल मरिया जी। असी जब वो बंदा एक जो दोषी अरैसट किया उसकी पूछगिछ की है, वो ते उन्हें दसा कि उत्थे असी इदा कर चुके हैं काम। असी जो होर अक्यूज्ड है उन्होंने कैप्चर करांगे, बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम करा के जो अगर नैक्सट कार्रवाई अमल च लियावांगे। असी इहदे च बड़ा मतलब कि बिल्कुल एन टाइम ते एक्शन लिया सीगा, पर सानू इस गल का बड़ा अफसोस है, मतलब कि वो बच्चे नूं पहले ही मार चुके से। असी बड़ी कोशिश की कि आपां टाइमली एक्शन नाल बच्चे की जान बचा पाते, पर बच्चे नूं वेरी फर्स्ट कल ही जदों ही बच्चे लैके गए हैं उदों इन्होंने मार चुके थे, साड़ी इनफॉर्मेशन आने तो पहले ही साढ़े को। वध रही बेरोजगारी, नशियां की मार ते उत्तों कोरोना महामारी के झम्मे लोग तो पहला ही उठन जोगे नहीं रहे, ते उत्तों दशरथ वर्मा वर्गे लोगों के जवान हो रहे पुतों नूं कोई इंज फरौती की रकम लई इट्टा मार मार के मार दे, इसका दर्द की हुंदा है ये सिर्फ मृतक बच्चे के मापे ही समझ सकते हैं। हुण वेखना यह होएगा कि पुलिस विजय तो बाद उस दे बाकी साथियों नूं फड़ के उन्हां दे असल अंजाम तक कदों पहुंचाती है। हकीकत टीवी पंजाबी लई लुधियाणा तो सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।